आज आपको मैं इस टायर की जो ये जो बीड होती है, इसको बीड बोलते हैं, इसको ब्रेक करना होता है जब आप टायर को नीचे कर रहे होते हैं, तो इसको खोलने का तरीका बताऊंगा। उसके लिए ये मेरे पास एक टूल है, इसका नाम इन्होंने बीड बस्टर रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बाद में मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा कि ये खुलता कैसे है, अगर आप इसको खुद बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो हमें इसको खोलना है, तो इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे इसका फंक्शन, कि ये चीज़ जो है, इसका ये जो लेग है, मैं इसको दबाया जा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका भी आप फंक्शन देखिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये जो चीज़ है, आप ये देख रहे होंगे, इसको मैं इससे जब आऊँगा, जब स्क्रू को टाइट करूँगा तो ये इससे टाइट होगा। तो ये अब इसमें कैसे टाइट होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ रख लूँ और ये इसके अंदर चला गया, आप इसको देख रहे होंगे, ये इसके अंदर चला गया। ये मैंने अंदर इसको करा और मैं इसको यहाँ से टाइट कर रहा हूँ। इस पर रोशनी डालो ताकि आपको दिखाई दे। तो इसको मैं इस वक्त इससे टाइट कर रहा हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से टाइट कर रखे। ये इस वक्त इसके अंदर टाइट हो चुका है। और ये मैं इस वक्त आपको, ये मेरे पास एक गन है, आपने कई दफ़ा देखी होगी इस गन को मैं इस्तेमाल करते हुए। मैं इससे अब इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो है, इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है। खोल दिया, आपको ये दिखाई दे रहा होगा टायर को, थोड़ा सा अगर इसको आप देखें तो ये आपको ये सब खुला हुआ नज़र आ रहा होगा, ये इसने बीड को पूरा खोल दिया है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये इस टायर के ऊपर तो इसने काम किया है, तो ये चीज़ मैंने इसको निकाल ली है। अच्छा, ये इस टायर के ऊपर, तो आप इस टायर के जो के वैसे तो हमारे मुल्कों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है टायर, लेकिन अगर आपके पास ये वाला टायर हो जो कि मैं अब आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला टायर, ये एल्युमिनियम टायर होता है, तो मैं इसको अगर यहाँ लगा भी दूँ तो ये जो लीवर है, ये वाला, ये लीवर यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई जगह ही नहीं है, तो ये इसको होल्ड नहीं करेगा। मैं इसको, ये देखें, ये इसने इसको पकड़ लिया, लेकिन जब मैं इसको टाइट करूँगा तो ये यहाँ से स्लिप हो जाएगा और ये खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास चल जाए, ये देखें, ये बाहर आ गया और ये यहाँ इसने निशान भी दे दिया। इसका एक हल जो है वो ये निकाला है मैंने, ये मैंने एक ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये ब्रैकेट मैं इसके अंदर लगाऊंगा यूं करके, और ये इसके अंदर जाके इसको मैंने यहाँ से रख लिया, और इसको जब मैं इसके अंदर करूँगा तो ये इसने इसको होल्ड कर लिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसने इसको बिल्कुल इस तरह इसने पकड़ लिया है। अगर ये ब्रैकेट ना बनाता मैं तो ये काम नहीं करता इस किस्म के रिम के ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी शेप क्या है। तो ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसका कंप्लीट फंक्शन, कि जब मैं इसको टाइट करता हूँ तो ये चीज़ जो है ये नीचे की तरफ आता है, आ रहा है, जो कि इसकी बीड को, यानी टायर की बीड को तोड़ देता है। तो ये चीज़ इसके अंदर, और ये जो चीज़ है ये रिम के फ्रेम को पकड़ता है। तो जब मैं इसको यहाँ से टाइट करता हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो बहुत ईजी है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर एक नट बोल्ट आप इसको टाइट करके, वेल्ड करके ये एक फ्रेम बना के आप इसको बना भी सकते हैं। बहुत छोटा सा है टूल है जो कि आप ख़ुद बना सकते हैं। मैं आपको इस स्प्रिंग को निकाल के दिखाता हूँ कि ये चीज़, अब आप देखेंगे ये बाहर आ जाएगी, ये चीज़, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर एक होल है। ये ट्यूब आप इसको वेल्ड करके बना सकते हैं, ये ट्यूब बड़ी कॉमन मिल जाती है। ये इसके दो लीवर हैं जो कि रिम के अंदर फंसेंगे, ये इसका एक है, ये इसके अंदर चला गया, और इसको मैं यहाँ पे करूँ, ये आप देख रहे होंगे ये इसके ऑल तीनों लेग जो हैं एक जैसे पैरेलल हो गए। जब आप इसको दबाते हैं तो ये यूं करके बीट को खोल देता है। दूसरा पोर्शन इसका ये वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि ये मैंने इसीलिए बनाया कि इसके अंदर मैं इसको बहुत ही नीचे तक जो है होल्ड कर सकता हूँ इस तरह करके, यहाँ पर, ये सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर इस हिस्से में, तो ये टायर के हिस्से को नीचे तक पकड़ सकता है। तो
तो ये एक छोटा सा टूल है, ये आप खरीद सकते हैं, बड़ा काम का टूल है।